नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, स्वास्तिक पेट शॉप एंड स्वास्तिक कैनल दोनों ही मेरे पास उपलब्ध है। कैनल भी है, प्लस मेरा खुद का शॉप भी है। जो देख रहे होंगे वीडियो सब, मैं पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, शॉप शॉप का जो भी वीडियो है वो सब देख रहे हैं। बाकी सारा प्रोडक्ट सब भी हम सब पास मिलता है। बहुत सारे कस्टमर को शिकायत होती थी हमसे कि बच्चा लेते हैं उसका सामान वगैरह कहाँ से ले, इसी की वजह से मेरा एक शॉप भी खुला। पहले तो कैनल ही था, बाकी अब शॉप खुला है। और एक चीज़ और आपको बताने जा रहे हैं कि अभी एक और कस्टमर मेरे पास आए हैं भैया, जो कि पटना ही के हैं, लेकिन बाकी जानकारी उन्हीं से हम लेते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कैसे बच्चा लिया, कौन सा पपी लिए थे, जो सब उन्हीं से बात करते हैं। चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको। नमस्कार भैया, नाम क्या हुआ भैया आपका? रमेश कुमार। सर कहाँ से आए हैं आप? बाढ़ से। बाढ़ से, ये बाढ़ से आए हुए हैं। और ये सर, ये यहाँ का पता कैसे चला आपको यहाँ के बारे में, यहाँ पपी वगैरह मिलते हैं चाहे कुछ उस तरह का? वीडियो देखे थे यूट्यूब पर। यूट्यूब पर वीडियो देखे थे। और कौन सा बच्चा आपको, बच्चा के लिए जैसे बात हुआ तो उस बच्चा लेने के लिए आप क्या प्रोसेस किए थे, कुछ हम मेरे व्यूअर को बताएंगे? जन्म से पहले लेने का बात हुआ। बोले जो आप दिल में है जब क्लियर, जब बिक गया जर्मन से पर, तो आप इसको भेजे। हाँ, तो इस बच्चा के हम बच्चे के बारे में आपको बताएंगे कौन सा बच्चा है। और काफी इनका जो इनका जर्मन शेफर्ड का आती था, तो उस टाइम हमको ये थोड़ा सा लेट हो गया हमको बोलने में, वो बच्चा निकल गया। उसी अंदाज दूसरा बच्चा इनको हम भेजे और उनके बारे में बताएं, वो बच्चा हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि कौन सा बच्चा, आप बताइए कैसा वो बच्चा लग रहा, किस क्वालिटी का बच्चा है, उसके बाद ही आपको दिखेगा सामने वीडियो में ही। चलिए भैया से पूछते, बच्चा लेने के लिए आप क्या प्रोसेस किए थे, कुछ उस तरह का कुछ बताएंगे? टोकन दिए थे 1000 जो भी सारा बताइए, 1000 टोकन दिए थे जब बच्चा पसंद आ गया था। तो सर ने एडवांस दिया था, एडवांस देने के बाद सर आपको कुछ दिक्कत हुआ कि बच्चा जो भी चीज में कि बच्चा टोकन जो एडवांस दे दिए उसके बाद कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए भैया को अब दिखाते हैं उनका जो भी पपी है वो दिखाते हैं हम, कि उनका पास कौन जाने वाला जो सब पपी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए भैया, ये कौन सा बच्चा है जो आप लोग भी जानते होंगे, और इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं। भैया को ये वीडियो जो जर्मन शेफर्ड वो लेने आए हुए थे, लेकिन उनको वीडियो वगैरह से पसंद करवाए, ये गोल्डन रिट्रीवर का मेल, जिनको भी पता तो होगा ही, लेकिन क्वालिटी कैसा है वैसा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। काफ़ी हेड वगैरह भी देख रहे हैं, इसका बोन वगैरह भी आप देख रहे हैं, और काफ़ी सुंदर बच्चा। ये बच्चा अभी लगभग 45 डेज के आसपास का हो चुका है, और इसका वजन काफ़ी एक हाथ से तो उठ नहीं रहा है, ये लगभग लग रहा है कि 5 किलो या 5 किलो का एवब का बच्चा है जो भैया ने पसंद किया। और इसका क्वालिटी जो कैसा है क्या है वो आप जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए तो उनका बच्चा भैया को उन्हीं को दिया जाए। बच्चा देख लीजिए क्वालिटी वाली, बच्चा का क्या चीज है, बोन वगैरह देख रहे हैं, हेड वगैरह देख रहे हैं। बच्चा आप देखते हैं यहाँ के, तो बच्चा देखे तो क्या लगा बच्चा में, जो फोटो वीडियो में डाला गया था बच्चा, आपको वही बच्चा है या अलग बच्चा है? वही बच्चा है, बच्चा चेंज नहीं ना है। बहुत लोग को दिक्कत है, भैया कहते हैं कि हम फोटो वीडियो में ये बच्चा है और एडवांस दिया आप बदल, दूसरा बच्चा हमको मिलेगा नहीं ना? नहीं नहीं वही बच्चा है। यहाँ अगर दो कस्टमर आने वाले हैं भैया, उनके लिए क्या, अगर आएंगे तो यहाँ से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो भी कुछ है आप अपने लेना चाहिए, यहाँ से यहाँ आके लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? चलिए भैया, इसी तरह की बाकी जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ये सब जो सप्लीमेंट जो पिछले वीडियो में देखे होंगे सर के साथ, ये पपी के साथ खाना, उसका फीडिंग बॉल, ये सब जो दवाई वगैरह है सब हम उनको दे रहे हैं, वो ले रहे हैं सर, उनके साथ हो जाएगा। ये जरूरी होता है देना दवाई, कम से कम जरूरी होता है 3 मंथ तक, बाकी जो भी होगा अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। चलिए भैया, इसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, इसीलिए धन्यवाद।